बतला दे रहा हूं, जिसको निस्बत नजब और मदीने से है, जिसको निस्बत नजब और मदीने से है, जिसको निस्बत नजब और नजब, जिसको निस्बत नजब और नजब, जिसको निस्बत नजब और मदीने से है, जिसको निस्बत नजब और मदीने से है, जिसको निस्बत नजब और मदीने से है, वो नबी का दुलारा है अजमेर में, वो नबी का दुलारा है अजमेर में, वो नबी का दुलारा है अजमेर अजमेर में, वो नबी का दुलारा है अजमेर अजमेर में, वो नबी का दुलारा है अजमेर में, वो नबी का दुलारा है अजमेर में। पूरी बात, जिसको निस्बत नजब और मदीने से है, जिसको निस्बत नजब मदीने से है, जिसको निस्बत नजब और मदीने से है, वो नबी का दुलारा है अजमेर में, वो नबी का दुलारा मदीने से है, जिसको निस्बत नजब और मदीने से है, जिसको निस्बत नजब और मदीने से है, जिसको निस्बत नजब मदीने से है, वो नबी का दुलारा है अजमेर में, वो नबी का दुलारा है अजमेर में। क्या मिटाएगा मोमिनो, क्या मिटाएगा दुनिया वालों, क्या मिटाएगा दुनिया से कोई हमें, क्या मिटाएगा दुनिया से कोई हमें, क्या मिटाएगा दुनिया से कोई हमें। देखिए, कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं लोग, लेकिन हमें यकीन है, क्या मिटाएगा क्या मिटाएगा, अरे क्या मिटाएगा दुनिया से कोई हमें, क्या मिटाएगा दुनिया से कोई हमें, क्या मिटा भाईजान, क्या मिटाएगा, क्या मिटाएगा दुनिया से कोई हमें, क्या मिटाएगा दुनिया से कोई हमें, क्या मिटाएगा दुनिया से कोई हमें, जब हमारा सहारा है अजमेर में, जब हमारा सहारा है अजमेर अजमेर में, जब हमारा सहारा मिटाएगा दुनिया से कोई हमें, क्या मिटाएगा दुनिया से कोई हमें, क्या मिटाएगा दुनिया से कोई हमें, जब हमारा सहारा है अजमेर में, जब हमारा सहारा है अजमेर अजमेर में, जब हमारा सहारा समाज फरमाए, जायरो आओ आकर जियारत करो, जायरो आओ आकर जियारत करो, जायरो आओ आकर
ख्वाजा के दरबार में जाने वालों, वो दिन अब दूर नहीं है। जनवरी में मेरे ख्वाजा का उर्स है और जनवरी आज पहली हो गई। इंशाल्लाह दीवाने जा रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए। 9 तारीख याद रखिए, छठी का रोज। देखिए, बहुत शुक्रिया। दाइरो आके ज़ियारत करो। उनका दरबार ऐसा ही दरबार है। कैसा दरबार है? देखिए मेरे ख्वाजा का दरबार कैसा है। जिसकी बरकत से अंधों को आंखें मिली, जिसकी बरकत से अंधों को आंखें मिली, जिसकी बरकत से अंधों को आंखें मिली। देखिए औरंगजेब बादशाह के जमाने की बात है। औरंगजेब जब मेरे ख्वाजा के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुलंद दरवाजे के पास कुछ भिखारी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अंधे थे। या ख्वाजा आंखें दे दो, या ख्वाजा आंखें दे दो, या ख्वाजा आंखें दे दो। दरअसल वो आंखें नहीं मांग रहे थे, वो बिजनेस कर रहे थे। लेकिन औरंगजेब जब दरगाह के अंदर पहुंचे तो वो मांगने वालों से ये कहकर गए कि देखो मुझे ताज्जुब है, यहां से तो जो मांगता है उसे मिलता है, लेकिन तुम कैसे मांग रहे हो मेरी समझ में नहीं आता। अगर मैं दरगाह के अंदर जाकर वापस जावाऊं और उस वक्त तक तुम लोगों को आंखें न मिली। औरंगजेब कहकर गया मैं अंदर जा रहा हूं दरगाह में फातहा पढ़ने के लिए, और जब वापस आऊं उस वक्त तक अगर तुम्हें आंखें नहीं मिली है मांगने वालों, तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, ये याद रखना। बादशाह का फरमान कौन टाल सकता था उसको। तो देखिए औरंगजेब बादशाह जब दरगाह के अंदर से आए, ये वार्निंग जब सुनी तो अंधों को अपनी जान की फिक्र हुई। और कसम खुदा की जब औरंगजेब फातहा पढ़कर आए और उन अंधों ने दिल से दुआ मांगी, तो औरंगजेब के वापस आने तक उन अंधों को आंखें मिल चुकी थी। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह के वलियों की शान। इसीलिए शायर कह रहा है क्या, ज़ायरो आकर ज़ियारत करो, उनका दरबार ऐसा ही दरबार है। ज़ायरो जितने इधर बैठे हैं, ज़ायरो आओ आकर ज़ियारत करो, उनका दरबार ऐसा ही दरबार है। कैसा? जिसकी बरकत से अंधों को आंखें मिली, जिसकी बरकत से अंधों को आंखें मिली, जिसकी बरकत से अंधों को आंखें मिली। बहुत शुक्रिया। जिसकी बरकत से अंधों को आंखें मिली, वो करम का नजारा है जो मेरे लिए, वो करम का नजारा है जो मेरे लिए, वो करम का नजारा है अजमेर अजमेर में, वो करम का नजारा है अजमेर में। जाय ना हो इसलिए मैं आखिरी शेर पढ़कर, शेर तो 8 है इसमें लेकिन वक्त को देखते हुए मैं पढ़ रहा हूं आखिरी शेर। जिसकी बरकत से अंधों को आंखें मिली, जिसकी बरकत से अंधों को आंखें मिली, जिसकी
करकस से अंधों को आंखें मिली, वो करम का नजारा है अजमेर में, वो करम का नजारा है अजमेर में, वो करम का नजारा है करम का नजारा, वो करम का नजारा है अजमेर में, वो करम का नजारा है अजमेर में। कहना है क्यों ना ख्वाजा के रोजे पे हम जान दें, मेरी माएं और बहनें भी सुने, क्यों ना ख्वाजा के रोजे पे हम जान दें, हम गुलामों पे है ये खुदा का करम, क्यों ना ख्वाजा के रोजे पे हम जान दें, हम गुलामों पे है ये खुदा का करम, खुदा का करम, क्यों ना ख्वाजा क्या करम है? ऐसा लगता है, लगता है, ऐसा लगता है, दुनिया वालों ऐसा लगता है, ऐसा लगता है ख्वाजा वालों, ऐसा लगता है ख्वाजा वालों, ऐसा लगता है मोमिनों, ऐसा लगता है उसने हमारे लिए, ऐसा लगता है उसने हमारे लिए, ऐसा लगता है उसने हमारे लिए, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है उसने हमारे लिए, अलबाग जन्नत उतारा है अजमेर में, अलबाग जन्नत उतारा है अजमेर में, अलबाग जन्नत उतारा उसने हमारे लिए, ऐसा लगता है उसने हमारे लिए, ऐसा लगता है उसने हमारे लिए, बाग जन्नत उतारा है अजमेर में, बाग जन्नत उतारा है अजमेर में, बाग जन्नत उतारा जिसको निस्बत नजब और मदीने से है, जिसको निस्बत नजब और मदीने से है, वो नबी का दुलारा है अजमेर में, वो नबी का दुलारा